إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ذلالة وكل ذلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما हर तरह की तारीफ़ उसबुलमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरुद सलाम नादिल हों खून आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन, वो काम जिनसे बचना ज़रूरी है इस सिलसिले में अब तक दस खुतबे हो चुके हैं और आज का ये खुतबा उसकी ग्यारहवीं कड़ी है अट्ठाईस बातें ऐसी बताई जा चुकी हैं जिससे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है उनतीसवीं बात जिससे बचना हम और आप के लिए ज़रूरी है सुस्ती और काहली आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एक मुसलमान को सुस्त नहीं होना चाहिए काहिल नहीं होना चाहिए बल्कि उसको हमेशा मुतहरक रहना चाहिए उसको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए सुस्ती काहली ये इंसान को बेकार बना देती है आज आम लोगों को छोड़िए नौजवानों का भी एक बड़ा तबका है जो सुस्ती और काहली का शिकार है। हमने देखा है महसूस किया है और आपने भी देखा होगा एक बूढ़ा बाप बेचारा दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए घर चलाने के लिए लेकिन जवान बेटा घर में सोया रहता है ये सुस्ती ये काहली घरों का माहौल ये है कि बूढ़ी माँ दिन रात मेहनत करती है जवान बेटी बिस्तर पर सोई हुई है ये घर घर का माहौल है नौजवान लड़के और लड़कियाँ इबरत हासिल करें नसीहत हासिल करें ये सुस्ती और काहली आपको बेकार बना देगी मुसलमान कभी सुस्त नहीं होता है मुसलमान कभी काहिल नहीं होता है मुसलमान हमेशा एक्टिव रहता है मुसलमान हमेशा मुतहरक रहता है अल्लाह तबारक तआला ने क़ुरानी मजीद में फ़रमाया जहब अंता व रबू का बे आयाती वाला तनिया है मूसल सलात वाम और हजरत हारून का तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि तुम और तुम्हारे भाई मेरी इस किताब को लेकर के जाओ यब अंत वाखू का तुम और तुम्हारे भाई जाओ बे आयाती हमारी निशानियों को लेकर के वाला तनिया जिक्री और मुझे याद करने में जिक्र करने में सुस्ती नहीं करना आदमी सुस्ती करता है तो वो कोई काम नहीं कर पाता अजान होती है सोचता है अभी जाएंगे, अजान भी हो जाती है इकामत भी हो जाती है नमाज भी हो जाती है कितने मुसलमान हैं जो सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ देते अल्लाह तबार को तो ने फ़रमाया वही ललमुसिनदीना हम अनसलाति हिम वैल है तबाही व बर्बादी है उन मुसलियों के लिए उन नमाजियों के लिए जो नमाज़ में सुस्ती करते हैं आज कितने मुसलमान ऐसे हैं मर्द और ख़वातीन नमाज में सुस्ती करते हैं नमाज नहीं पढ़ना चाहते जब इंसान सुस्त हो जाता है तो कोई काम नहीं कर पाता है हमारे दरमियान बहुत सारे लोग होंगे जो हकीम होंगे डॉक्टर होंगे आप उनसे मशवरा कीजिए इंसान की नाकामी की इब्तदा उसकी सुस्ती से होती है इंसान की बीमारी की इब्तदा उसकी सुस्ती से होती है जो आदमी हमेशा सुस्त रहता है पड़ा रहता है धीरे धीरे बीमारियां उसके बदन में आ जाती हैं और वो नाकारा हो जाता है तो सुस्ती न करें काहली न करें आलस न करें हमेशा एक्टिव रहें हमेशा मतहमस रहें हमेशा सरगर्म रहें मुसलमानों का एक बड़ा तबका सुस्ती और काहली का शिकार है इसी तरह अल्लाह तबारक को तला ने अपने नेक और ख़ास बंदों का तस्करा करते हुए फ़रमाया यूसफ बिहून नहार अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं वो तस्बी बयान करते रहते हैं रात में भी दिन में भी वला या वला यखतर और वो कभी सुस्ती नहीं करते आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए ताल करे सो आज कर आज करे सो अब आज हमारा हाल ये है देखेंगे करेंगे अभी कौन सा दिन निकल गया नहीं जो आदमी ये सोचता है वो कभी कोई काम नहीं कर पाता साहब कराम का मामला ये था कि कोई भी चीज़ इरादा करते थे तो फौरी तौर पर उसको अंजाम देते थे कोई भी हुक्म नाजिल होता था तो फौरी तौर पर उस पर अमल करते थे मशहूर वाक़ है आप हजरात जानते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे तहवील किबला का मामला हुआ अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश को पूरी किया और मस्जिद अक्सा के बजाय किबला मस्जिद हराम की तरफ कर दिया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज़ जो मस्जिद हराम की तरफ़ पढ़ी तहवील किबला के बाद वो असर की नमाज थी एक सहाबी आपके साथ नमाज पढ़ के निकले जा रहे थे मदीने की गलियों में देखा कि एक मस्जिद में कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं वो मस्जिद हराम के बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ अपना रुख किए हुए हैं सहाबी ने पीछे से आवाज़ दिया लोगों सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने किबला तहवील कर दिया है और मस्जिद अक्सा के बजाय अब मस्जिद हराम हमारा किबला हो गया है हालत नमाज में भी इमाम और तमाम मुसल्लियों ने हालत नमाज में मस्जिद अक्सा की तरफ जो थे वो मस्जिद हराम की तरफ हो गए सुस्ती नहीं काहली नहीं सहब कर हमेशा मतहमस रहते थे सहाब कराम हमेशा सरगरम रहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो सुस्ती करते हैं और सुस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं अल्लाह के हदूद को नाफि नहीं करते हैं वो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे आपने मिसाल दी सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के हदूद को नाफि ना करने वाला उसमें सुस्ती करने वाला काहली करने वाला उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुछ लोग एक समंदर में सफ़र कर रहे हैं एक कश्ती में सवार हुए कश्ती के दो पार्ट हैं दो हिस्से हैं कुछ लोगों को ऊपर जगह मिली कुछ लोगों को नीचे जगह मिले पानी का इंतज़ाम ऊपर के हिस्से में था अब नीचे वालों को जब पानी की ज़रूरत पड़ती तो ऊपर जाते ऊपर पानी लेते अपनी ज़रूरत पूरी करते नीचे वालों का बार बार ऊपर जाना ऊपर वालों को नागवार गुजरा तो एक शख्स ने एक कुल्हाड़ा लिया और उसने उसने सोचा कि ये कश्ती पानी में चल रही है क्यों ना इसका एक लकड़ी का हिस्सा निकाल दिया जाए तो हमें पानी ही मिल जाएगा आपको मालूम है कि समंदर में चलती हुई कश्ती अगर उसके अंदर सुराख किया जाए उसकी उसका एक पटरा निकाल दिया जाए तो मामला क्या होगा समंदर में समंदर का पानी कश्ती में आ जाएगा पहले नीचे के लोग डूबेंगे उसके बाद ऊपर के लोग डूबेंगे प्यारे नबी सल्लम ने क्या बेहतरीन मिसाल दी अब नीचे वालों ने सोचा कि कश्ती पानी में चल रही है बार बार हमें ऊपर जाने से ऊपर वालों को तकलीफ़ होती है एक शख्स ने नादानी की और कश्ती में सुराख कर दिया ताकि पानी हासिल कर सके अब ऊपर वाले देख रहे हैं उनको सुस्ती नहीं करनी चाहिए उनको फौरन उसका हाथ पकड़ना चाहिए उनको फौरन उससे रोकना चाहिए इसका फ़ायदा ये होगा कि उस शख्स को भी बचा लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे और जो लोग नहीं पकड़ेंगे नहीं मना करेंगे बहुत सारे लोग सोचते हैं वो नादानी कर रहा है उसका अंजाम उसे मिलेगा नहीं जब बुराइयाँ ज़्यादा फैल जाती हैं तो सिर्फ बुरे लोग उसके शिकार नहीं होते हैं उसके साथ नेक लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं इसलिए सुस्ती और काहली को दूर भगाओ जो लोग दूर हैं उनको करीब करो जो लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं उनको नेकी की तालीम दो जो लोग नाफरमान हैं उनको फरमा बरदारी का हुक्म दो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ो सुस्ती काहली अल्लाह को पसंद नहीं है प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर ऊपर वाले उस शख्स को पकड़ लेंगे तो वो खुद भी बच जाएंगे और उसको भी बचा लेंगे सुस्ती और काहली अल्लाह को नापसंद है इसके लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते थे उसमें सुस्ती और काहली भी है अल्लाह इन्नी आउबी का मिनल कसल अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती से सुस्ती से अल्लाह के नबी सनाह मांगते थे आज आज हालत क्या है आज हर आदमी सुस्त पड़ा हुआ है और ये मोबाइल कोई भी आदमी अपने आप को तनहा नहीं महसूस करता लोगों में आदमी बैठता लोगों से मेल जोल रखता उसके अंदर एक एक हौसला होता एक जज्बा होता लेकिन ये मोबाइल आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता है नौजवान लड़के लड़कियां सब बिस्तर पर पड़े हुए हैं मोबाइल में उनका दिन गुजर रहा है उनकी रातें गुजर रही हैं ये क्या है मेरे भाइयों ये, ये कौम कहाँ चली गई आज हालत यह है आज हालत यह है कि इंसान सुस्ती और काहली की वजह से इबादतों में भी पीछे हो गया माश में भी पीछे हो गया आज मुसलमानों की माशी पोजीशन क्या है आज मुसलमानों की माली पोजीशन क्या है हम और आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं हमें फ़िक्र नहीं है हमें कमाना चाहिए हमें फ़िक्र नहीं है हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें फ़िक्र नहीं है हमें नमाज़ों में दिलचस्पी दिखानी चाहिए हमें फ़िक्र नहीं है कि सुस्ती और काहली को दूर भगाना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात में इंसान सोता है तो शैतान उसके नाक के नथुने पर रात गुजारता है इसलिए सुस्ती और काहली को दूर करने के लिए चाहिए कि जब वो सुबह में उठे वज़ू करे तो तीन मरतबा अपनी नाक को झाड़े तीन मरतबा जब अपनी नाक को झाड़ता है तो वो शैतानी असर ख़त्म हो जाता है एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाया दोनों सही बुखारी की है आपने फरमाया कि जब इंसान सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर तीन गिरहें लगा देता है तीन घाटी लगा देता है और हर घाटी लगाते वक्त यही कहता है रात बहुत लंबी है सो जा आज लोग फजर में उठते हैं अलार्म लगाए हुए हैं बंद कर देते हैं थोड़ी सी सुस्ती कि अभी पंद्रह मिनट बाकी है अभी बीस मिनट बाकी हमारे साथ भी होता है आपके साथ भी होता है जो आदमी ये सोचता है कि अभी पंद्रह मिनट बीस मिनट बाकी है नतीजा क्या होता है वो वक्त इतना तेज़ी के साथ गुजर जाता है कि नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है कभी कभी सूरज निकल जाता है हमारी नमाजें कजा हो जाती हैं प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं कि शैतान इंसान की गुद्दी पर तीन ग्रहें लगाता है तीन घाटी लगाता है और कहता है सो जा रात अभी बहुत लंबी है फिर इंसान उठता है जब वो उठते ही अल्लाह का जिक्र करता है अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर तो एक घाटी खुल जाती है उसके बाद वो वजू करता है तो उसकी दूसरी घाटी खुल जाती है दूसरी गृह खुल जाती है और उसके बाद वो खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो उसकी तीसरी घाटी भी खुल जाती है ये सही अध है आप फजर से पहले उठे नहीं आपने वजू नहीं किया आपने नमाज़ नहीं पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो आदमी नहीं उठता है ना वज़ू करता है ना नमाज़ पढ़ता है तो उसके ऊपर सुस्ती रहती है काहली रहती है दिन भर मुरझाया मुरझाया रहता है आज ये सुस्ती और काहली इस वजह से है कि लोग फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। आज इतनी बड़ी तादाद हमारे सामने है मर्द और ख़वातीन सब हैं नौजवान लड़के और लड़कियाँ छोटे बच्चे बूढ़े जवान सोचें कि आपने फजर की नमाज पढ़ी है कि नहीं जब हालत यह हो कि फजर की नमाज छोड़कर सोए रहेंगे तो सुस्ती और काहली आपका मुकद्दर हो जाएगी इसलिए सुस्ती को दूर भगाएं एक्टिव रहें मुतहमस रहें सरगरम रहें मुसलमान कभी सुस्त नहीं होता है अल्लाह मनील कसर अल्लाह में सुस्ती और काहली से तेरी पना चाहता हूं इसी तरीके से तीसवीं चीज जिससे हमको और आपको बचना ज़रूरी है बुजदिली है बुजदिली आदमी आज बुजदिल होते जा रहा है हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते हैं हम अपनी 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 राय का इजहार नहीं कर सकते हैं और आज हमारे राय पर हमारी आवाज़ पर हमारी तहरीक पर लोग पाबंदियां लगाना चाहते हैं हम इतने बुजदिल हो गए हैं मेरे भाइयों पुरानी तारीख उठाकर देखिए बुजदली के मुकाबले में जो चीज़ है वो शुजात है बहादुरी है बहुत सारे लोग बुजदली और शुजात में फ़र्क नहीं कर पाते शुजात का माने बहादुर बहादुर बुजदिल मत बनो बहादुर बनो लेकिन बहादुरी का बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठा बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से झगड़ा करें बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से लड़ाई करें बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप बहसो तकरार करें बहादुरी का मतलब ये है कि अपनी बात सलीके से कहें बहादुरी का मतलब यह है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़े आपके अंदर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजदिल नहीं थे आप सुजातमंद थे आप बहादुर थे लेकिन पूरी तारीख उठाकर देखो नबी की पूरी तिरसठ साल जिंदगी का मुताला करो कभी आपने झगड़ा नहीं किया कभी आप किसी से उलझे नहीं क्या आप बहादुर नहीं थे क्या आप बुजदिल थे नहीं मेरे भाइयों बुजदिल कहते हैं कि आदमी को अपनी बात नहीं रख पाना मेरे भाइयों हालात कैसे भी हों मगर आप हक बात सलीके से करें लोग आपकी बात को सुनेंगे लोग आपकी बात समझेंगे आज कौम को बुजदिल बनाया जा रहा है आज नौजवानों को बुजदिल बनाया जा रहा है आज पूरी उम्मत को बुजदिल बनाया जा रहा है और बुजदिल बनाने के लिए मुख्तफ़ किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं आज हम बुजदिल होते जा रहे हैं जबकि हमारे असराफ का तरीक़ा ये था कि वो कभी बुजदली नहीं करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजदिली से भी अल्लाह की पनाह मांगी है अल्लाह मनी अबी का मिनल जुबन अय अल्लाह में बुजदिली से तेरी पनाह मांगता हूँ हमारे नबी ने कुफ़ार मुशरकिन के ऐवानों में तौहीद का ऐलान किया बुजदिली ये ये है कि आप अपनी बात न करें बुजदिली ये है कि जहाँ कहने की ज़रूरत पड़े वहाँ खामोश रहें मेरे भाइयों बात सलीके से करें लोग आपको सुनेंगे बात सलीके से करें लोग आपको मानेंगे या और बात है कि लोग दुश्मनी करते हैं दुश्मनियां होती रहेंगी क्या अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे तो लोग आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे क्या आप हक बात नहीं बोलेंगे तो लोग अपने पलकों पर बिठा के रखेंगे जो होना है वो होगा इसलिए हक बात बोलने से गुरेज क्यों किया जाए हजरत मूसा सलात वसलाम को अल्लाह तबारक तौला ने फिराउन के दरबार में भेजा वो फिराऊन जो पूरे मिस्र पर हुकूमत करता था जो वो ये कहता था आना रब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं वो फिराउन जिसका हाल ये था कि कोई उसके हुक्म को अगर नहीं मानता तो वो उसको दीवार पे खड़े करके उसके, उसके जिसम में कील ठोंक देता था मान लो मैं कितना बड़ा ज़ालिम बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था उनके बच्चों को कत्ल करवा देता था किसी के अंदर हिम्मत और जुरात नहीं थी कि वो फिराउन के सामने जुबान खोलें हैत मूसा सलातम को अल्लाह ने तकम दिया कि जाओ फिर के दरबार में और उनके भाई हैत हारून अलीसम को भी कहा इज हबा अला फिरऊना तुम दोनों फिराउन के पास जाओ दोनों गए फिराउन के पास अल्लाह ताला ने कहा तुम वहाँ जाकर के गुफ्तु करो मैं तुमको देख भी रहा हूँ तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ हैत मूसा सलाम गए फिराउन के दरबार में तोहैद का ऐलान किया आपने बुजदली नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में ताइफ के बड़े बड़े तीन सरदारों से मुलाकात की और आपने तोहद का दर्श दिया और आपने कहा कि लोगों मेरी बात सुनो अगर बात सही है तो मान लो और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आप किसी से गुफ्तगू करें और उससे कहें कि मेरी बात अगर आपके समझ में आती है तो मानिए वरना छोड़ दीजिए आपको उलझने की क्या जरूरत है मैं बारहा यह बात कहता रहता हूं बहुत सारे हमारे नौजवान लोगों से बहस करते हुए उलझ जाते हैं फिर हमारे पास आते हैं कहते हैं फला फला को बार बार समझाता हूं वो बात नहीं मानता है भाई मनवाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बताने की है इस पॉइंट को समझिए इस नुक्ते को समझिए अल्लाह के नबियों को भी अल्लाह तबारक तआला ने यही हुक्म दिया था कि अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाएं सुनाना बताना नबियों की जिम्मेदारी थी मनवाना जिम्मेदारी नहीं थी इसलिए आप मनवाने की कोशिश न करें आज इतनी बड़ी जमात है मैं आपके सामने बता रहा हूं बताना मेरी जिम्मेदारी है जो मानेगा अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं मानेगा अपना नुकसान करेगा आप इस नहज पर काम करें आप इस वसूल पर काम करें कि आपको मनवाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है आपको ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात मनाने का मनवाने का हक नहीं है आप अपनी बात करें दलाइल की बुनियाद पर करें वसूल की बुनियाद पर करें जिसको अल्लाह तोफ़ी देगा वो मानेगा जिसको नहीं मिलेगी नहीं मानेगा तो बुजदली वो काहली ये ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए ये बुजदली आती क्यों है जब लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानियां करते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल की एतात से मुंह मोड़ा जाता है अल्लाह ने फरमाया वी व रसूल वनासू फलो व तज़री वसबिरुन मबरी अल्लाह की एतात करो उसके रसूल की इताअत करो वला तनाजाऊ आपस में इख्तलाफ़ न करो फतफ़ बुजदिल हो जाओगे व तजहबारी हुकुम तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी वसबिरू सब्र करो इन्नल्लाह अल्लाह बेशक अल्लाह तबार व तआला सब्र करने वालों के साथ मेरे भाइयों जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुँह मोड़ा जाता है तो आदमी बुजदिल हो जाता है इसीलिए मुक़ल्लिद कभी हिम्मत की बात नहीं कर सकता है क्यों इसलिए वो अल्लाह उसके रसूल की एतात नहीं करता हिम्मत की बात करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की एतात और फरमा बरदारी करते हैं वही जुरात की बात कर सकते हैं और जुरात की बात यह नहीं है कि आप किसी से उलझाएं जुरात की बात यह है कि हक बात डंके की चोट पर कही जाए आइने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही मेरे भाइयों हक बात दंगके की चोट पर कही जाए कहने का सलीका सही और दुरुस्त होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से उलझाएं इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से आप लड़ाई झगड़ा करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुजातमंद थे आप बहादुर थे आपने सहाबा को सुजातमंदी और बहादुरी की तालीम दी आपने सुस्ती और काहली को दूर भगाया आपने कभी भी बुजदली को अपने करीब नहीं आने दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा को मतहमस और सरगरम रखते थे रात के अंधेरे में अगर ऐलान होता था कि लोगों अल्लाह के रास्ते में लड़ने की ज़रूरत है जिहाद की ज़रूरत है जिस सहाबी के कान में आवाज़ पहुँचती थी जिस हालत में था निकल जाता था ये थी जमा मर्दी ये थी शुजात और बहादुरी हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तहो अपनी बीवी के साथ शब जफाफ मनाते हैं सुहाग रात है पहली रात है सुबह के वक्त में ऐलान हुआ अभी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद गसल भी नहीं कर पाए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुनादी करने वाला ऐलान करता है लोगों अल्लाह के रास्ते में निकलना है हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला तहो उसी हालत में निकल जाते हैं आप गुस्ल भी नहीं कर पाए जंग में गए शहीद हो गए शहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंजला कहाँ है दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे भाइयों तलाश बिसार के बाद हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला तहों की लाश मिली उनके बदन पर पानी के कतरात थे प्यारे नबी ने फरमाया गसील का इनको फरिश्तों ने गुसल दिया अल्लाह अकबर ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा मेरे भाइयों ये वो हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला नो हैं जिन्होंने शबे जफाफ मनाने के बाद गुसल करने का इंतजार नहीं किया नबी के मुनादी की आवाज कान से टकराई उसी हालत में निकल गए यह है यह है शुजात मंदों का यह है जो कौम बहादुर होती है उसकी कौम शान शौकत के साथ जिंदगी गुजारती है और जो कौम बुजली का शिकार हो जाती है वो गुलामी की जिंदगी गुजारती है मेरे भाइयों अगर हमें शान शौकत की जिंदगी गुजारनी है तो बुजदली के खोल से बाहर निकलना होगा हमारा ये मुल्क जहां हम रहते और बसते हैं आपको मालूम है इस मुल्क की आबियारी के लिए हमारे हमारे पुरखों ने क्या कुर्बानियां दी हैं सबसे पहला मुजाहिद जो इस हिंदुस्तान की धरती पर आया वो मोहम्मद बिन कासिम है आप तारीख पढ़ें पाँच सौ शहसवारों के साथ मोहम्मद बिन कासिम सिंध की बंदरगाह पर जब उतरे थे और उनके पास ख़त भेजा गया था राजा दाहिर ने मुसलमानों के एक बेड़े पर कब्ज़ा कर लिया था उसमें ख़वातीन भी थी मर्द भी थे ये लोग तिजारत की गरज से आए थे यहाँ से ख़त भेजा गया हजात बिन यूसुफ के पास कि अरबी बेड़े पर हिंदुस्तान के राजा ने कब्ज़ा कर लिया है मोहम्मद बिन कासिम पाँच सौ शहसवारों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर उतरे सिंध के बंदरगाह पर और मेरे भाइयों दिन में दिन में मुजाहदा करते थे दिन में जिहाद करते थे रात में तहजद की नमाज़ पढ़ते थे अल्लाह से दुआएं करते थे और आनंद फानन पूरे मुल्क को फतेह किया लेकिन बहुत कम मौका मिला जब हिंदुस्तान छोड़ कर जाने लगे एक साजिश के तहत उनको हिंदुस्तान से सिंध से बुला लिया गया जब जाने लगे तो यहाँ की गैर कौम की औरतें उनके पैर पकड़ कर रोने लगी कहा आप हमारे देवता हैं आपने हमारी धरती को अदलो इंसाफ से भर दिया था आप हमें छोड़ कर कहाँ जा रहे हैं आपको आप तारीख पढ़िए मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त अट्ठारह साल या बीस साल थी मेरे भाइयों मुजाहिद बनो बुजदिल ना बनो बुजदली बुजदली आपको तबाहों बर्बाद कर देगी तारिक बिन जियाद जब उनकी बंदरगाह पर पहुंचे जो आज स्पेन है वो वहाँ के कमांडर थे वहाँ पहुंचने के बाद जिस कश्ती पर सवार होकर गए थे उन तमाम कश्तियों को जला दिया लोगों ने कहा इस आदमी को हमारा अमीर और कमांडर बना दिया गया है जो जंग के पेचोखम से नावाफ है मोहम्मद बिन तारक़ बिन सियाद ने कहा सुनो मैंने कश्तियाँ इसलिए जलाई हैं तुम मुजाहिद इस्लाम हो हम स्पेन की हम उनुस की बंदरगाह पर पहुँचे हैं यहाँ हम जिहाद करेंगे अगर हम कामयाब हो गए तो यहाँ हम इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे और अगर नाकाम हुए तो लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे हमने कश्तियाँ इसलिए जला दी हैं ताकि हमारे दिल में मुल्क की वापस जाने की तमन्ना खत्म हो जाए मेरे भाइयों ये थे हमारे नौजवान सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का मेरे भाइयों कभी भी बुजदिल न बने हौसलों को बुलंद रखें अज़ाइम जिनके पुख्ता हों यकीन जिनको खुदा पर हो तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते हालात कितने भी नासाज़गार हों कभी भी आदमी को बुजदिल नहीं होना चाहिए हिम्मत से काम लेना चाहिए अल्लाह से जुड़ना चाहिए अल्लाह से दुआएँ करना चाहिए वो अल्लाह हालात को बदलने वाला है पुरानी तारीख तो जब जब कौम बुजदिल बनी है तो कौमों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया है मेरे भाइयों चीज जिससे हमको बचना और जरूरी है वो है मायूसी ना उम्मीदी आज कौम मायूस हो चुकी है आज कौम को हौसला देने की जरूरत है आज लोग मायूस हो चुके हैं आज उनको हिम्मत देने की जरूरत है किसी ने बड़ी अच्छी बात की ही है कभी बुजदिल से मशवरा नहीं लेना चाहिए बुजदिल वो बुजदिल है जब आप उससे मशवरा लेंगे तो आपको और बुजदिल बना देगा कभी भी मशवरा लेना हो तो जवां मर्दों से लिया करो कभी भी मशवरा लेना हो तो सुजात मंदों से लिया करो कभी भी मशवरा लेना हो तो बहादुरों से लिया करो क्यों इसलिए कि बुजदिल आपकी बुज़दिली में इजाफा करेगा इसलिए जब जब बुजदिल से मशवरा लिया जाता है बुजदिल और बुजदिल बना देता मायूसी नाउमीदी ये ये मुसलमान का काम नहीं है मायूसी कुफ्र है हालात कैसे भी हों आदमी को कभी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह तबाराक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल या इबादील् लजीना अस्रफू अला अंफुसिहिम ला तक्नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नाल्लाहा यगफिरु जुनूबा जमीअ कह दीजिए आए मेरे बंदो जिन लोगों ने अपने नफ्स पर ज्यादती कर ली है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा मायूसी ना उम्मीदी ये इंसान की नाकामी की सबसे पहली सीढ़ी है जो आदमी मायूस हो जाता है वो कोई काम नहीं कर सकता एक आदमी बीमार हो गया बीमारी किसको नहीं आती है मायूस क्यों होते हैं बीमारी के साथ जिंदगी गुजारिए हौसले को बुलंद रखिए आप दुनिया के पहले मरीज नहीं हैं कि आपको बीमारी आ गई दुनिया में हज़ारों लोग हैं बल्कि ये कहिए कि अक्सरियत बीमारियों में मुबतला है लोग बीमार होते हैं ना उम्मीद हो जाते हैं मेरे भाइयों ये बीमारियां भी आपके लिए रहमत बन जाएंगी मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बार बार याद आती है जब भी बीमारी का तस्करा होता है एक काली कलूटी औरत सियाह फाम औरत नबी की खिदमत में आई कहा हुजूर मुझे मिर्गी की बीमारी है मैं आपके पास आई हूँ दुआ कर दीजिए मेरी बीमारी ठीक हो जाए प्यारे नबी ने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं लेकिन अगर सब्र करोगे तो जन्नत मिलेगी महान हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको शुगर की बीमारी होगी जिनको बीपी की ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज होंगे अल्लाह तब को शिफाए का मिला आजा फरमाए आप आप दवा करते रहें दुआ करते रहें अल्लाह से अल्लाह से ना उम्मीद ना हो अल्लाह यकीन आपको अच्छा करेगा मेरे भाइयों उस औरत को अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र करोगे सब्र करोगी तो जन्नत मिलेगी उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल मैं सब्र करूंगी कितनी कितनी नेक खातून थी लेकिन आए हुजूर जब जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरा सतर खुल जाता है आप दुआ कर दीजिए मेरा सतर ना खुले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी फिर उसके बाद कभी उस खातून का सतर नहीं खुला मेरे भाइयों बीमारियों पर सब्र करोगे जन्नत मिलेगी कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अय्यूब्लम अठारह साल तक बीमार रहे कैसी बीमारी थी हजारों साल पहले का वाकया है आज जरा जरा सी बीमारियों पर हम नाउमीद हो जाते हैं हम अल्लाह से अपना अपना अपनी उम्मीद खत्म कर लेते हैं अल्लाह के नेक बंदे कभी भी नाउमीद नहीं होते हैं कभी भी मायूस नहीं होते हैं आप हिम्मत रखें आप हिम्मत रखें हौसले के साथ जिंदगी गुजारें ये बीमारियां या आर्जी हैं हर आदमी को मौत के मुंह में जाना है कोई बीमार होकर के जाए या सेहतमंद होकर के जाए बीमारियों से कभी घबराना नहीं चाहिए बीमारियों से कभी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए बीमारियों के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उस पर सब्र करना चाहिए सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया हो सकता है बीमारी दे करके अल्लाह ताला आपको आजमाना चाहता हो कि जैसा कि हजतः अयूब अलीसला तो साम को आजमाया अठारह साल तक बीमारियों में मुबतला रहे अल्लाह से दुआ करते रहे यकीन वो दिन आया बीमारियाँ दूर हुई आप सेहतमंद भी हुए मेरे भाइयों तो कभी भी हमारे जो भी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं बीमारियों में मुफ्तना हैं आप हौसले बुलंद रखें हौसले बुलंद रखें अल्लाह की इबादत करते रहें अल्लाह से दुआएं करते रहें कभी ना उम्मीद ना हो ये 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 गमी के दिन ये मुसीबतों के दिन ख़त्म हो जाएंगे इसी तरीके से जो लोग गुनाहों में डूब जाते हैं गुनाह ज्यादा करके मायूस हो जाते हैं कि अब मैं इतना ज्यादा गुनाह कर लिया हूं नहीं मेरे भाइयों आप गुनाह कितने हमारी इस मस्जिद में बैठा हुआ सबसे ज्यादा उम्र वाला आदमी सबसे ज्यादा उम्र वाला आदमी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो अस्सी साल के ऊपर हैं मैं मैं जहां तक जानता हूं सबसे बड़ा आदमी सबसे ज्यादा उम्र वाला आदमी अगर उसकी अस्सी साल की उम्र में उसने नेकी नहीं की है आज इस ज़मीन पर बैठ करके यहीं पर अगर, अगर अल्लाह से दुआ कर ले कि आय अल्लाह मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अस्सी साल तक मैंने तेरी नाफरमानी में गुजार दिया मैंने गुनाहों में गुजार दिया मेरे भाइयों मैं दलाइल की बुनियाद पर यह बात कहता हूं कि अगर वह अस्सी साल का बूढ़ा एक बार अल्लाह से सच्चे दिल से तोबा कर ले कि आय अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह तला का वादा कि 80 साल के गुनाहों को लम्हे में माफ कर देगा क्या अब, अब आपको और क्या चाहिए क्या चाहिए और 80 साल तक गुनाह करने वाला एक लम्हे में अल्लाह उसने सारी गुनाहों को माफ कर दिया अब और क्या चाहिए इससे बड़ा रहम करम वाला रब और कौन हो सकता है मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह से दुआ करते रहें अल्लाह के नबी नबीम कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगते थे अल्लाह भी मिनसम अल्लाह मैं गुनाहों के बोझ से कर्ज के बोझ से तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज ले कर्ज न मत लें अगर ले लिए हैं दुआएं करते रहें अल्लाह तबारक ताली ख़त्म कर देगा तिजारत के मामले में परेशान हैं मीशत के मामले में परेशान हैं नहीं मेरे भाइयों परेशान ना हों हौसले बुलंद रखें अल्लाह की जात से उम्मीद रखें यकीन यकी रात के बाद सवेरा होता है यकीन अंधेरे के बाद उजाला होता है कभी भी कभी भी मायूसी को अपने करीब ना आने दें हिम्मत करें आगे बढ़ें अल्लाह तबारक वाली हिम्मत करने वालों को आगे बढ़ने वालों को अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह कबीर नहीं करता है उठ बांध कमर क्या डरता है उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है मेरे भाइयों हिम्मत के साथ जियो हौसले के साथ जियो आज कौन को हौसले की जरूरत है आज कौन को हिम्मत की जरूरत है आज हम परेशान हैं आज कौन परेशान है मुख्तलिफ परेशानियों में घिरे हुए मेरे भाइयों ना उम्मीदी को अपने पास ना आने दे ना उम्मीदी को भटकने ना दे अल्लाह की जात से उम्मीद रखें अल्लाह कभी भी रस्वा नहीं करेगा अल्लाह कभी भी जलील नहीं करेगा हौसलों के साथ आगे बढ़ें हौसलों के साथ कदम बढ़ाएं यकीन अल्लाह की मदद जरूर आपको शामिल हाल होगी बहुत सारे लोग औलाद से नाउमीद हो जाते हैं शादी हुई एक साल दो साल तीन साल औलाद नहीं हुई मेरी दुआ है कि अल्लाह तला सबको साहिब औलाद बनाए कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए हजरत इब्राहिमसल्लाम अस्सी साल के उम्र हो गए अस्सी साल के बूढ़े हो गए अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी हबली मिन सवालीन अय अल्लाह मुझे सवाल है उलाद फर्मा क्या अल्लाह ने नहीं सुना बुढ़ापे में अल्लाह तबारक वाली ने हैत इस्माइल दिया हैत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं अल्लाह तहा अब्राहीम खुश हो जा मैं तुझे बेटे की भी खुशखबरी देता हूँ पोते की भी देता हूँ अल्लाह अकबर मेरे भाइयों उम्मीद के साथ जियो हौसलों के साथ जियो पजमर्दा मत रहो अल्लाह से ना उम्मीद मत करो है तो इब्राहिम ने दुआ की अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैं तुझे बेटा भी दूंगा पोता भी दूंगा नाम भी बताया बेटे का नाम इसहाक होगा पोते का नाम याकूब होगा मेरे भाइयों है अल्लाह तबार व तआला पर भरोसा ये है ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लासन फरमातेमान ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है खौफ और उम्मीद एक मुसलमान जब से वो जब उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वह अल्लाह से डरता है इसे कहते हैं खौफ लेकिन ना उम्मीद नहीं होता है यकीनन मेरा रब है जो मुझे देख रहा है यकीनन मेरा रब है जो मेरी सुन रहा है यकीनन मेरा रब है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा इसको क्या कहते हैं उम्मीद अल बैन अल खौफ व रजा ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है एक मोमिन गुनाह करते हुए डरता है और अल्लाह से उम्मीद भी रखता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए मुसीबतों परेशानियों को दूर फरमाए अल्लाह हम सबको नए हौसले के साथ नई जिंदगी गुजारने की तौफीक नाएक फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रबना तकबल मिन्ना, इन न कांत समीलीम वतुब अलैना इन नंत तो रहीम बेरहमती का या अरहमर राहमी नामीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتايد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه